बखूबी देखने को मिलती है। जयपुर के हसनपुरा स्थित कॉलोनी में कुछ उत्साहित ऐसे युवक आगे आए हैं जिन्होंने इस विपदा में भारत से बाहर से आए रुके हुए मजदूर गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था की, और साथ ही व्यवस्था उन्होंने किसी के बलबूते पे नहीं, किसी संस्था के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने आप अपने बलबूते पे तैयार खुद से साधन जुटाए और चल पड़े गरीबों को सहायता के लिए उनके दो जून की रोटी के लिए। राजेश जी, जो अभी ये सब जो सामान आप बना रहे हैं, ये किसके लिए बना रहे हैं? ये वायरस जो फैला हुआ है अपने यहाँ, तो उसमें गरीब जनता के लिए जितना सा हम लोगों से मोहल्ले वालों से जो सहयोग हो रहा है उनके लिए हम ये कर रहे हैं। तो इसके जो ये सामान जो आप ला रहे हो, ये सामान कहाँ से आ रहा है? ये सब मोहल्ले वालों से ही हम एकत्र करके ये कर रहे हैं। जो हमारी गली है उसी गली के नौजवान सारे इकट्ठे करके ये काम कर रहे हैं। खुद ही मतलब जुटाते हैं सामान और फिर ये? हाँ, अच्छा, बनाते भी आप खुद ही हैं? हाँ, खुद ही बनाते हैं हम हमारे हाथों से। हाँ, और बिल्कुल साफ सफाई से हम बना के गरीब जनता को वितरित करते हैं। फिर कहाँ कहाँ जाते हैं बांटने के लिए आप? बांटने के लिए मंदिरों के बाहर है, और गरीब जो भी रोड पे मिल जाते हैं उनको पुलिया के पास में, और स्टेशन पुलिया के नीचे है, राम मंदिर है, इधर जाते हैं। लेकिन देखने में यह आया कि जब से कोरोना का जो लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ, आप लोग तब से बना रहे हैं? हाँ सर, जब से बना रहे हैं हम कंटिन्यू। तो आगे भी बनाओगे? आगे कंटिन्यू रहेगा हमारा, और फिर अगर कोई समस्या आ जाती है तो एक नहीं भी हो सकती, लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम इसको कंटिन्यू रखें। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर कर ये देखने में आता है कि क्योंकि धन राशि जुटाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आप लोग कैसे जुटा रहे हैं? हम सभी नौजवान जितना सा हो सके हमारे से, हम हमारे मित्रगणों से कहीं से भी एकत्र करके ये काम को सुचारू रखना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या क्या बना रख के दे रहे हैं आप? हम पूरी सब्जी, हलवा, कभी पोहे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। जोर से बोलना है। ओम प्रकाश। कहाँ के रहने वाले ओम प्रकाश जी? मैं भैरवडा का रहने वाला हूँ। ये कहाँ पे है? ये दौसा के पास में ही है। तो यहाँ क्या करते हो जयपुर में? यहाँ बेलदारी करते हैं हम। लेकिन बेलदारी अब तो काम हो नहीं रहा होगा? नहीं नहीं। तो क्या कर रहे हो अब? बैठे हैं घर पे। फिर खाने पीने का कैसे करते हो? परेशान हो रही है खाने पीने से। हाँ, फिर कौन देता है खाना आपको? खाना ये गाड़ी आती है उनको से ले लेते हैं। हाँ, तो आपके पास कोई साधन नहीं है फिर खाने पीने के लिए? नहीं, नहीं, हमारे पास इस टाइम कोई साधन नहीं है खाने पीने का। हाँ, हमारे कैसे करते हो, कैसे गुजारा चल रहा है? ये खाना दे देता है, गुजारा कर लेते हैं, पड़े रहते हैं, भूखा तसा है, कैसे भी। काम धंधा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है काम धंधा। हाँ, फिर बाल बच्चे कैसे कर रहे हो? अब बाल बच्चे हम रह जाते हैं, बालकन को देते नहीं है, हमको दे जाते हैं खाना के, बालकन को नहीं बढ़ाने को मिलेगा। अच्छा, तो अब हमारा मैसेज ये तो पेट के आगे खिलाना ही पड़ता है बच्चे को, तो हम भी पेट पोलस कर ले, बच्चे को भी करा देते। खाना मिल रहा है? मिल जाएगा, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो फिर नहीं मिलता तब क्या करते हो? बैठे रहते और क्या करें? हैं, भूखे सो जाते हो? नहीं, कभी कभी तो आता ही ना खाना। आप रहने वाले कहाँ के रहने वाले हो? अलवर के। यहाँ पे जयपुर में क्या करते हो फिर? ये गटर का काम करते, सफाई का। तो अपने घर नहीं गए आप? हाँ गए, साधन खुले नहीं। कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन हुआ और उस लॉकडाउन के बाद में जो स्थिति बनी वो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हुई है उन मजदूरों के लिए, उन मध्यम वर्ग के लिए जिसके लिए रोटी रोजी का जुगाड़ कर पाना इस समय सबसे बड़ी दिक्कत है। बाहर से आए हुए लोग जो जयपुर में ठहरे हैं, विभिन्न जगहों पर काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी काम करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसे तैसे करके वो गुजारा करते हैं, बहुत सारे दानदाताएं हैं जिनके बदौलत वो काम चला लेते हैं, लेकिन आखिर पेट है उसकी आग कैसे बुझेगी? लेकिन ये विपदा बहुत कठिन है, इस लड़ाई से लड़ना हर किसी के लिए उतना ही जरूरी है जितना जिंदा रहना, और शायद अगर हम घर में रहें तो जिंदा रह पाएंगे। SNI न्यूज आपसे बार बार गुजारिश करता है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और इस कोरोना वायरस की लड़ाई में अपना पूरा सहयोग दें, तभी ये कोरोना वायरस हमारे देश से भाग पाएगा, और जिंदा रहे तो पेट भी भर जाएगा, और पेट अगर खाली है
तो उसका जुगाड़ भी हो जाएगा। SNI न्यूज से भारत भूषण। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।